2024 का वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सबके मन में एक अलग ही उत्साह था, लेकिन 2024 का T20 वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद में सबको यह वर्ल्ड कप फीका लगने लगा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अमेरिका में वर्ल्ड कप करा के ICC ने इस बार वर्ल्ड कप का मजा फीका कर दिया है। जी हाँ, वर्ल्ड कप के फीका होने की यह भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि अमेरिका में क्रिकेट इतना लोकप्रिय नहीं है और अमेरिका में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और इस बार पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए वहाँ पिच तैयार की गई है, लेकिन यह पिच बहुत ही खराब बनाई गई है। हाल ही में हुए मैचों में आपने देखा ही होगा कि यह पिच कितनी धीमी है। इस पिच के ऊपर बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल ही मदद नहीं है। तो अब यह देखना होगा कि वर्ल्ड कप के बाद में ICC इस पिच को कितनी रैंकिंग देती है। हो सकता है कि ICC इस पिच को रद्द कर दे या फिर अमेरिका को इस पिच को सुधारने की हिदायत दे सकती है। इसके बाद अगला वर्ल्ड कप के जो फीका होने की सबसे बड़ी वजह है वह भारतीय समय के अनुसार मैचों का प्रसारण नहीं हो पा रहा है। वर्ल्ड कप के कुछ मैच भारतीय समय अनुसार सुबह सुबह बहुत ही जल्दी हो जाते हैं और इन मैचों का बहुत से लोग आनंद नहीं ले पाते हैं। इस बार वर्ल्ड कप के बहुत से मैच ऐसे हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं होता कि वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। भारतीय लोग शाम को होने वाले मैच का बहुत ही आनंद लेते हैं, लेकिन सुबह होने वाले मैच समय के अनुसार नहीं देख पाते हैं, जिससे कि वर्ल्ड कप के बारे में जानकारी उनको बहुत ही कम मिल पा रही है। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो देखने को मिल रहा है कि इस बार के वर्ल्ड कप में अमेरिका की पिच की वजह से बहुत सी बड़ी टीमें बाहर होने के कगार पे आ चुकी हैं। इन टीमों में सबसे पहले टीम का नाम लूं तो वो टीम है न्यूजीलैंड टीम। न्यूजीलैंड ने इस बार के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के हाथों हार कर वर्ल्ड कप के सुपर 8 से लगभग बाहर हो चुकी है। अब न्यूजीलैंड टीम के लिए वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीद तभी बढ़ सकती है जब अफगानिस्तान की टीम पोपुआ इनसे हार जाए, लेकिन यह इतना आसान नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान की टीम हाल ही में बहुत ही मजबूत है, जो कि इतनी छोटी टीम से नहीं हार सकती है। इससे आगे अगर बात करूं तो एक बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम श्रीलंका भी इस बार के वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। श्रीलंका के लिए अब कोई भी चांस नहीं है वर्ल्ड कप के सुपर 8 में प्रवेश करने का। इसके बाद अगली बड़ी टीम का नाम आता है इंग्लैंड टीम, जो कि पिछली बार 2022 के वर्ल्ड कप की चैंपियन थी। इंग्लैंड के लिए भी सुपर 8 में पहुंचना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। अगर इंग्लैंड टीम अपने आगे आने वाले मुकाबले बहुत ही बड़ी रन रेट से जीतती है तभी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान की टीम के लिए भी वर्ल्ड कप खतरा बना हुआ है। पाकिस्तान की टीम को इस बार अमेरिकी टीम ने बहुत ही परेशान कर रखा है। पहले अमेरिकी टीम ने खुद पाकिस्तान को हरा दिया और अब अमेरिकी टीम पर ही पाकिस्तान की सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। अगर अमेरिका और आयरलैंड के मैच में अमेरिका यह मैच हारती है तभी पाकिस्तान की टीम के लिए सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें बढ़ सकती हैं। तो यही कुछ वजह है जिससे कि इस बार का वर्ल्ड कप बहुत ही फीका चल रहा है। तो अब कमेंट बॉक्स में आप भी कमेंट जरूर करें कि वर्ल्ड कप की ऐसी हालत के पीछे आखिरकार जिम्मेदार कौन है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएं।